सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। नए दिन की शुरुआत से नए व्लॉग में आप और मेरा स्वागत है। सो केड़ो हाल है, सुठो डाडो सुठो। वैसे आप देखोगे कि आज मैंने ट्रेडिशनल पहना हुआ है, मतलब कुर्ता पहने हुए हैं। आज जिम में थीम था कुर्ते के साथ में, तो तभी हमने ये पहना है। वैसे इस सनलाइट काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो इसको थोड़ा बंद करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे थीम था तो थीम में थे हम लोग, तो क्लाइंट्स भी थे, तो वो वीडियो आप मैं डाल रहा हूँ, देख लो वो, तो उस हिसाब से। और बाकी तो मतलब समझो आज नया वीक है, नया व्लॉग। और गरबा में सिर्फ एक ही एक ही वीक बाकी है, मतलब आज मंडे है तो नेक्स्ट मंडे को गरबा है। सब लोगों में इतना जोश है ना भाई के, मतलब समझो कि नवरात्रि 2 साल से हम लोगों ने की नहीं है गुजरातियों ने, तो मतलब धूम मचने वाली है काफ़ी ज़्यादा। मैं खुद जाने वाला हूँ डेली, वैसे भी मैं डेली जाता ही हूँ, लेकिन इस बार भी जाऊँगा तो अच्छे से खेलूँगा, तो मौज तो आने वाली है। बाकी आज हर बैच में आपको थीम मिलेगी कुछ ना कुछ, मतलब थीम कुछ ना कुछ मतलब क्या है, सब लोग कुर्ते वर्ते पहन के आएंगे। लड़कियों को मैंने बोला है कि चनिया हो चनिया, कुर्ता हो कुर्ता, जो आप लोगों को इच्छा हो वो पहन के आ सकते हो। वाह, पूरा हो गया अभी 10:30 वाला, सुबह को हो गया था 10:30 वाला, अभी आपने वीडियो भी देख लिया होगा। और ये बैच में भी मैंने सुबह वाली बैच में भी और ये वाली बैच में भी पुष्पा वाला स्टेप ही सिखाया, तो इन लोगों से वैसे ये 2-4 मतलब अभी कम है, वीडियो में आप लोगों ने ज्यादा ही देखा होगा, आधे लोगों की एनर्जी पूरी हो गई तो निकल गए। तो कैसा लगा स्टेप? एक मिनट के लिए ऐसे, एक सेकंड के लिए बोला नहीं तो मेरे को ऐसा हुआ कि ये मेरा पोपट करने वाले हैं, लेकिन ठीक है अभी अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ओके, वैसे गाने तो अलग अलग चलाए आपने, तो सब पे ही हो रहा था, तो आधे लोग मौज में आ चुके थे। ये जैसे जो आप एवर मतलब हर बार देखते हो व्लॉग में ये लोगों को, तो अच्छा लगा ना? ठीक है, पैसे चलो व्लॉग को बंद करते हैं हम लोग, ठीक है बाय। चालू है ये, मुझे कुछ दिखा है अंबानी बुक करते हैं, मतलब कुछ ये गेमिंग जुआ का ये सब कुछ है। मैं काफी ये एड देखा है मैंने, ये है तो ये शायद ही, अगर किसी को पता हो तो बताना, तो कैसे क्या है कमेंट में बताना। ये बुक जुआ वगैरह जो होता है वही यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्रिकेट का और वो सब ही कुछ है, ये सब जुआ का ही शायद है तो वही। बिल्कुल गलत, सही बिल्कुल, हाँ करो, हाँ परफेक्ट किया भाभी आपने। करो देखूं, देखना कितना डिसेंटली वो क्या बोलते हैं, डिसेंटली गलत करती है वो, पर मानेगी नहीं। नहीं रखा है आपने सही से।
ये लोगों को इग्नोर करो तो क्यों दिखा रहे हो फिर मेरा इग्नोर करने के लिए हाथ क्यों पे ऐसे जाओ जाओ ठीक है चलो मिलते हैं बाद में जाओ करो
सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर से एक नए दिन की शुरुआत है। नए दिन की शुरुआत से वीडियो चालू हो रहा है लैला से, क्योंकि आज ये आई है वेट मतलब डॉक्टर के, इसके डॉक्टर के पास। डॉक्टर अभी आया नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर का है, डॉक्टर आया नहीं है और ये दूसरा भी डॉग खड़ा है और हम कर रहे हैं वेट। तो देखेंगे अभी, ये तो वैसे अगर देखोगे ना बहुत घबरा रही है, देखो इसका बॉडी बहुत वाइब्रेट कर रहा है, तो ये बहुत घबराती है जब यहाँ पे आती है, तो क्योंकि यहाँ पे आते इसको लगती है इंजेक्शन, तो इस हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा घबराती है। तो देखिए आज 15 मिनट तो अभी हो गए वेट किए किए, तो अभी बस डॉक्टर आते ही होंगे और फिर चेकअप चालू हो जाएगा इसको, और वैक्सीनेशन, इसका वैक्सीनेशन लगने वाला है। तो जो होता है 6-6 महीने का, एक एक साल का जो वैक्सीन होता है, इसका 6 महीने वाला है, तो वो 6 महीने वाला, अभी ये 1.5 साल की हो चुकी है, तो अभी इसको 6 महीने वाला वैक्सीन लगने वाला है, तो आज वो भी लग लेगा। तो होप करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, तो अच्छा लगा तो कुछ भी लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और वैसे मैं आपने ये देखा जो मैंने वो ऑटो के पीछे जो ऐड था उसके लिए, वो क्लिप मैंने जाना है उसके लिए जो मैंने बोला। देखो कि ये लोग कैसे होते हैं कि सोचते हैं कि यूथ के लिए कुछ कुछ भी चीज़ें होती हैं, वो बोलते हैं कि यूथ के लिए है, यूथ खराब हो रहा है, और फिर बोलते हैं ये बॉयकॉट कर दो, वो कर दो। रणवीर सिंह के फोटो जैसे थे, यूथ खराब हो रही है, ये बॉयकॉट कर दो, ये तो मतलब ये जो जुआ खेलने का जो प्रेरित कर रहे हैं, मतलब इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को कि खेलो, बहुत लीगल है, ट्रस्टेड है, आप खेलो, क्रिकेट में पैसे लगाओ, जुआ खेलो, गेम मतलब पत्ते वाले, ये वो सब इतनी सारी मतलब लिखी हुई थी, मुझे तो ये पता नहीं। तो मतलब उससे यूथ हमारा बहुत आगे जाएगा। वाह क्या थिंकिंग है, बहुत ही सही है। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ मतलब क्या है, या कुछ भी बोल नहीं सकते, क्योंकि लोगों को तो मतलब समझो क्या ही थिंकिंग चलती है कि ये सब चीज़ों से शॉर्टकट, मतलब पैसे जहाँ से शॉर्टकट बने वो चीज़ें उनको शॉर्टकट चाहिए, लेकिन शॉर्टकट कहीं पे भी सक्सेसफुल का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो ये सब चीज़ों से आपका पैसा जाना ही है, आना नहीं है, और उल्टा दिमाग स्ट्रेस, और जो मैंने देखे हुए कि 90% जो सुसाइड केस होते हैं जो लड़के करते हैं, वो करते हैं ये जुआ, ये इन लोगों से मतलब जो पैसे बर्बाद होते हैं उसमें करते हैं, जो मैचों पे सट्टे वट्टे लगाते हैं उनके वजह से होते हैं। और बाकी चीज़ के ये लोग ऐसा भी बोलेंगे अभी के, मुझे पता है आप लोग बोलोगे कि स्टॉक मार्केट है वो भी लीगल है, वो भी जुआ ही है, तो वो कैसा है, वो एक इन्वेस्टमेंट में भी है। अगर आप कोई भी शेयर्स लेके रख देते हो 4-5 साल भूल जाओ, तो आपके वो प्लस होंगे, वो एक इन्वेस्टमेंट भी है, तो वो जुआ नहीं है, ठीक है। जो ये जो क्रिकेट वगैरह है वो आप लोग प्रिडिक्शन का सट्टा लगता है, ठीक है, तो वो प्रिडिक्शन नहीं है, वो आपको कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा तो वो आपका पैसा आना ही आना है, तो वो चीज़ अलग है। स्टॉक मार्केट को इससे ना लो, और ये जो बुक हो गए हैं, ये बुकीस वगैरह जो क्रिकेट ये सब है वो चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ों में अगर आप लोग हो या एप्लीकेशन डाउनलोड किया है तो ना ही करो तो बेहतर है। बाकी की चीज़ें ये मैं बोलूँगा कि यहाँ तक लोग देख लिया है तो लाइक करें बिना बिल्कुल मत देना, सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करके सब लोगों के साथ में शेयर करना, और मिलते हैं आपको नए बढ़िया से ब्लॉग में।